हाय गाइस, वेलकम बैक टू मी चैनल। कैसे हो आप सब? ओके, सबसे पहले तो यार डिस्क्लेमर ये कि मुझे नहीं पता आज की वीडियो कोई देखेगा भी या नहीं देखेगा, क्योंकि द प्रोडक्ट इज वेरी ओल्ड, मतलब काफी चला हुआ प्रोडक्ट है, काफी हिट प्रोडक्ट है। बट ये मेरे भी ना किसी मेकअप के डब्बे में ना साइड में उड़ के पड़ा हुआ था। मैं इसको बहुत दिन से यूज नहीं कर रही थी, बट इधर मैंने जब थोड़ा सा अपना देखा इधर उधर मेरे पास कौन कौन से मेकअप प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, तो डियर मुझे ये मिला। एंड ये मैंने इसको बीच में बहुत बार यूज किया है। वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल मैंने किया था मेकअप रेवोल्यूशन का, आई गेस, यप। तो उसमें मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर किया था, इट्स सच अ प्रिटी हाइलाइटर। आज की वीडियो बनाने का मेन मोटिव ये है, हाइलाइटर तो है प्रिटी, ठीक है, लेकिन दिस हाइलाइटर इज मेंट फॉर ऑल स्किन टाइप्स। अगर आप फेयर स्किन टाइप हो, मेरे जैसे हो, तो लुक एट द हाइलाइटर, बहुत नेचुरल आएगी भैया लुक, बहुत नेचुरल लुक। आपको लग ही नहीं रहा होगा जैसे मैंने हाइलाइटर लगाया। अगर आप कॉलेज वगैरह, या फिर कॉलेज में बोल दूं यार, जैसे भी अगर आप ऑफिस में भी अगर आप जाते हो, अगर आपको नेचुरल आपको लग रहा है मैंने हाइलाइटर लगाया, इट्स लाइक इंटरनली ग्लो कर रही है स्किन, ठीक है। मुझे इसका शेड बहुत पसंद आया, क्यों? क्योंकि इसका जो शेड है ना हमारी स्किन के साथ मैच करता है, इस वजह से ये स्किन के साथ ब्लेंड हो जाता है। एक्स्ट्रा इसका कोई कलर ही नहीं है और ऐसे लगता है जैसे स्किन नेचुरली ग्लो कर रही है। फेयर स्किन को अच्छा लगेगा, मीडियम स्किन टोन पे अच्छा लगेगा, डस्की स्किन टोन पे अच्छा लगेगा। तो मुझे लगा कि इसका एक अलग छोटू सा रिव्यू मैं डाल देती हूँ, अगर किसी को यूजफुल लगा तो भैया देख लेना, और तो कुछ नहीं। दिस हाइलाइटर इज फॉर ऑल स्किन टाइप्स। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के मैंने लुक में, मेकअप लुक में जितने भी प्रोडक्ट्स यूज किए हैं, सबका परचेज लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चेकआउट आप कर लेना, मैं कहने वाली थी चेकआउट बिल्कुल मत करना, चेकआउट आप कर लेना इसका भी परचेज लिंक आपको मिल जाएगा। तो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। ये है मेकअप रेवोल्यूशन का प्रो इल्यूमिनेट लुमाइजर है ये, एंड रियली सॉरी फॉर द पैकेजिंग एंड ऑल दैट, क्योंकि ये प्रोडक्ट सच्ची में बहुत टाइम से मैंने इसको पहले लगातार यूज किया, बट अब मैंने इसको यूज करना बंद कर दिया, तो प्लीज इसका थोड़ा सा डर्टी और फेड आउट हो चुका है। तो फटाफट से मैं आपको दिखा दूं इसका, ये क्या इसका नाम है, इसका नाम है लुमाइजर इसका नाम है, मेकअप रेवोल्यूशन का प्रो इल्यूमिनेट लुमाइजर। 850 रुपीज का ये प्रोडक्ट है, एंड चेकआउट कर लेना अगर आपको कोई डिस्काउंट वगैरह अगर इसका मिल रहा होगा तो। 15 ग्राम इसकी क्वांटिटी दी हुई है, आप देख सकते हो, और आपको 3 साल इसकी शेल्फ लाइफ मिल जाएगी। इस प्रोडक्ट का ऑलरेडी मैंने रिव्यू किया हुआ, लेकिन मैंने मेकअप रेवोल्यूशन की वीडियो में कर दिया था, अलग से रिव्यू नहीं किया था। एंड इट्स क्वाइट मतलब ठीक है, छोटा कॉम्पैक्ट सा कह लो, अगर आप ट्रैवल इतना बड़ा लेके करना चाहते हो तो कर लो, नहीं तो वो आपकी अपनी मर्जी है। बट मुझे ये बहुत प्यारा लगा, फेयर स्किन टोन हो तो भी अच्छा लगेगा अगर आप, एंड इट्स सो पिगमेंटेड, लुक एट दिस, और बिल्कुल चंकी पार्टिकल्स नहीं है, बिल्कुल चंकी पार्टिकल्स नहीं है। अच्छा लग रहा, आप हाइलाइटर ढूंढ रहे हो ना, यू कैन डेफिनेटली बाय दिस प्रोडक्ट। कोई भी स्किन टाइप, कोई भी स्किन टोन हो, फेयर मीडियम डस्की कोई भी स्किन टोन हो, उसके ऊपर अच्छा लगेगा। आप देख सकते हो इसने बिल्कुल भी चंकीनेस नहीं आपको नजर आएगी, ठीक है। एंड अगर मैं इसको हल्का सा ब्लेंड करूंगी ना, ये देखो बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाता है, आपको लगेगा ही नहीं जैसे देखो मैंने कुछ लगाया। फिर से मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा इस जगह पे, ठीक है, आपको दिखाना चाह रही थी, आपको लगेगा नेचुरली मेरे हैंड्स ना ग्लो कर रहे हैं। फेस पे लगाओगे आपको लगेगा नेचुरली ग्लो आ रहा है, चंकीनेस तो है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। जो व्हाइट वाले हाइलाइटर्स होते हैं ना, वो हल्का सा आपको व्हाइटी व्हाइटी सा नजर आएगा, बट उनकी भी एक अलग ब्यूटी होती है, बट दिस इज मेंट फॉर ऑल स्किन टाइप्स, सॉरी ऑल स्किन टाइप्स नहीं, ऑल स्किन टोन्स। अब मैं आपको थोड़ा सा हाइलाइटर लगा के दिखाती हूँ, तो सबसे पहले मैं छोटा वाला ब्रश लूंगी और मैं अपने चीक बोन्स के ऊपर हाइलाइटिंग करूंगी, टिप ऑफ द नोज, ब्रिज ऑफ द नोज। आप चाहो तो फैन ब्रश भी ले सकते हो, लेकिन पहले मैं फैन ब्रश यूज करती थी, लेकिन अब मुझे इससे ज्यादा मजा आता है यूज करके। अपने क्यूपिड्स बो पे लगाऊंगी, चिन पे लगाऊंगी, सेंटर ऑफ द फोरहेड पे लगाऊंगी। अब मैं छोटा सा फ्लैट ब्रश लूंगी, जिसके साथ मैं अपने ब्राउ बोन जिसको आप बोलते हो वहां पे लगाऊंगी। आप चाहो तो फिंगर्स के साथ भी लगा सकते हो, और अपने इनर कॉर्नर्स पे लगाऊंगी। लगाने के बाद ना आप एट द एंड अच्छी तरह से स्मज कर लेना। तो यही था इसका रिव्यू, एंड अगर आपको पसंद आया तो आपने वीडियो को लाइक कर देना, एंड यार फॉर ऑल स्किन टाइप्स है। अगर आपको अच्छा वाला मतलब सही वाला हाइलाइटर अगर आप ढूंढ रहे हो ना, कि जिसपे हाइलाइटर भी लगाओ, चंकी पार्टिकल्स भी ना नजर आए, एंड लुक एकदम फ्लॉलेस ही आपको नजर आए, तो डेफिनेटली गो फॉर दिस हाइलाइटर। इट्स क्वाइट प्राइसी, अगर इतना स्पेंड करना चाहते हो, या फिर यार डिस्काउंट वगैरह चल रहे हैं फिलहाल,
तो आप लोग इसको जरूर खरीदो, ठीक है। दिस वॉज द वीडियो, अच्छी लगी आपने वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, फ्रेंड्स फैमिली आपने सबके साथ शेयर कर देना है, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने वाले हो आपने रेड बटन को आपने हिट करना है, और आपने साथ में टिक 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 आपने बेल को हिट करना है ताकि आपको फ्यूचर में नोटिफिकेशन वगैरह मिलती रहे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ। और बाय द वे मैं रोज वीडियो अपलोड करती हूँ। टिल देन बाय। सारे मेकअप प्रोडक्ट्स जितने भी आज मैंने यूज किए सबके परचेज लिंक प्लस इसका परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टिल देन बाय।